हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल जेएस एक्सट्रीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करना चाहूंगा आप सभी का कि आप सबके सपोर्ट से हमारे चैनल के 9,800 सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। आज के वीडियो में हम एक अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाले हैं ईजीएस Q8 मैश इंटरकॉम सिस्टम की। सबसे पहले मैं ब्रांड का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। ईजीएस एक काफी पॉपुलर ब्रांड है ग्लोबली इंटरकॉम सिस्टम्स के अंडर। सो इंडिया में जो एक फर्स्ट चॉइस होती है राइडर्स की बजट इंटरकॉम सेटअप परचेज करने की ड्यूरिंग देयर बिगनिंग ऑफ राइडिंग, तो उसमें वो लोग जो एक ब्रांड प्रेफर करते हैं दैट्स अ वी नेट फोन V6 एंड दैट कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ ईजीएस। दे बोथ आर द सेम कंपनी एंड ईजीएस इज देयर पेरेंट कंपनी, तो ऑलरेडी एक ट्रस्टेड ब्रांड है। दिस इज नॉट अ न्यू ब्रांड जो कि आपको ट्रस्ट करने में थोड़ा डर लगे। नाउ दे हैव लॉन्च दिस न्यू इंटरकॉम। ये है ईजीएस का Q8 मैश इंटरकॉम सिस्टम। जो हम V6 वगैरह यूज करते हैं वो ब्लूटूथ पेयरिंग मोड यूज करते हैं। इवन वी नो कि उसकी साउंड क्लियरिटी कितनी अच्छी है, तो ईजीएस Q8 जो है ये मैश इंटरकॉम वाला है एंड मैश इंटरकॉम ऑफर्स अ वेरी बेटर साउंड क्वालिटी देन द नॉर्मल ब्लूटूथ ऑप्शंस। सो दिस इज अ पेयर दैट ईजीएस ने हमें सेंड किया है रिव्यू एंड अपना फीडबैक शेयर करने के लिए। सो इसके बारे में एक क्विक डिटेल्स मैं बता देता हूँ। दिस इज अ सिक्स राइडर्स Q8 मोटरसाइकिल हेलमेट ग्रुप इंटरकॉम सिस्टम एंड इसमें जो फीचर्स हैं दिस ऑफर्स मैश इंटरकॉम, FM रेडियो भी आता है। वेल दैट्स अ प्लस पॉइंट। आल्सो इट हैज अ ऐप सेफ राइडिंग ऐप, देन यू कैन कंट्रोल चैनल स्विचिंग। आल्सो दिस कनेक्ट्स विद मोबाइल फोन, देन दिस आल्सो रिसीव्स फर्मवेयर अपग्रेड्स। आल्सो यू कैन शेयर द म्यूजिक विद योर फ्रेंड्स जो कि बहुत ही कम ऑप्शंस में अवेलेबल होता है। अगर आप एक राइडर म्यूजिक स्टार्ट करता है तो यू कैन शेयर इट ऑन द इंटरकॉम विद योर सेकंड राइडर। नाउ दिस वर्क्स विद वॉइस असिस्टेंट एंड आल्सो दिस इज IP67 वाटरप्रूफ। बट इसके अलावा भी इसमें कुछ फीचर्स हैं, लाइक यू कैन कंट्रोल म्यूजिक, सॉरी माइक सेंसिटिविटी। यू कैन टर्न ऑफ योर माइक, मतलब एक सिंगल क्लिक पर आपका माइक म्यूट कर सकते हो अगर आप कुछ और बात करना चाहते हो। तो देर आर वेरी प्लस पॉइंट्स विद दिस वन। अब जल्दी से करते हैं, हम इसकी एक अनबॉक्सिंग शो करते हैं आपको। इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स मीन्स पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं और उसके बाद इसकी पेयरिंग कैसे करते हैं। बोथ बिकॉज इट्स अ मैश इंटरकॉम सिस्टम, तो इसमें दो तरह की पेयरिंग होने वाली है। फर्स्ट होगी जो ब्लूटूथ इंटरकॉम जो कॉमनली हम लोग आज भी यूज करते हैं, देन सेकेंड वन इज मैश इंटरकॉम पेयरिंग। तो दोनों को ट्यूटोरियल भी इसी वीडियो में इंक्लूड है। सो आई विल रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को स्किप करें बिना पूरा एंड तक देखें, वीडियो अच्छा लगेगा डेफिनेटली। और अगर आप कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप इसको परचेज करने के लिए जो लिंक होगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। सो लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हमारे पास दो यूनिट्स अवेलेबल हैं ईजीएस Q8 मॉडल के। तो कुछ इस तरीके की पैकिंग इसकी देखने को मिलती है आपको। यहां फ्रंट में आपको डिवाइस का पिक्चर मिल जाता है और ईजीएस की ब्रांडिंग है। और रियर साइड, साइड्स में वो वैसे और कहीं कुछ नहीं है, जस्ट रियर साइड में आपको इसके फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। दिस इज सिक्स राइडर्स Q8 मॉडल। इसमें मैश इंटरकॉम आपको टेक्नोलॉजी मिल जाती है विद FM रेडियो। जैसे कि दूसरे मोस्टली इंटरकॉम सेटअप्स में FM फीचर नहीं होता है, इसमें आपको FM रेडियो भी मिल जाता है। इनकी अपनी ऐप है सेफ राइडिंग ऐप, जो आप प्ले स्टोर से आईफोन और एंड्रॉयड में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरकॉम चैनल स्विचिंग, कनेक्शन टू मोबाइल फ़ोन, और इस पर आप म्यूज़िक भी शेयर कर सकते हैं। OTA अपडेट्स आपको फर्मवेयर अपडेट्स ऐप के थ्रू मिल जाते हैं। म्यूजिक शेयर जैसे कि मैंने आपको बताया था वो शेयर कर सकते हैं। वॉइस असिस्टेंट आपका सीरी या गूगल का असिस्टेंट आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। और IP67 वाटरप्रूफ ये है। तो कुछ ओवरऑल ये है बॉक्स की पैकेजिंग। बहुत ज़्यादा प्रीमियम पैकेजिंग नहीं है, मीन्स अगर आप देखें कार्डबोर्ड वाली पैकिंग है और इनफ है। तो मेनली हमारा प्रोडक्ट बेस्ट होना चाहिए। एक को कर देते हैं आप साइड में और दूसरे में आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर आपको क्या-क्या एक्सेसरीज साथ में मिलती है इन बॉक्स, और इसके बाद हम इनकी पेयरिंग भी आपको करके दिखाएंगे। ओपन करते हैं इसे। कोई पैकेजिंग पर सील अवेलेबल नहीं है, ना लेमिनेशन अवेलेबल है, और कुछ इस तरीके के सामान हमें इस बॉक्स से बाहर मिलता है। मेन यूनिट हमारा इंटरकॉम। फर्स्ट इम्प्रेशन इसको देखते ही अगर आप देखें बहुत प्रीमियम लुक आता है। इवन इनका जो पहले V6 आता था
वो भी अगर आपने देखा हो अपने प्राइस कॉस्ट के अंदर वो बहुत प्रीमियम लुक फील देता है। तो दिस इज़ ऑल्सो Q8 मॉडल, भी देखने में काफ़ी प्रीमियम देखने में लग रहा है। इसको साइड करते हैं और नीचे हमें इसके साथ ही ये एक्सेसरीज़ का सेट मिल जाता है पूरा। अभी इनको भी चेक करेंगे। यहाँ पर हमें मैश इंटरकॉम वगैरह लिखा हुआ, बाकी इनके जो दूसरे मॉडल्स हैं उनके बारे में एक शॉर्ट ब्रीफ मिल जाता है, और एक पूरा इस मॉडल की Q8 की यूज़र मैनुअल मिल जाती है जिसे पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा। वैसे तो हम लोग स्मार्ट होते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं, पर अगर इसको अच्छे से कंट्रोल करना है तो इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं इस पाउच में हमें क्या क्या मिलता है। तो कुछ ये सामान है जो सारा अभी पाउच से निकला है, अब देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें माइक मिल जाता है, ये एडजस्टेबल वाला माइक है, और यहाँ कपलर दिया गया है तो काफ़ी अच्छा है, इसको रिप्लेस करने में इजी रहता है, आप चेंज भी कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको टाइप सी कनेक्टर मिल जाता है, और अनदर थिंग अगर आप देखें कि स्पीकर्स पर कुशनिंग दी गई है, जो कि फर्स्ट टाइम मैं किसी इंटरकॉम सेटअप में देख रहा हूँ कि यहाँ कुशनिंग के साथ स्पीकर्स अवेलेबल हैं। ऑल्सो यहाँ पर कपलर्स दिए गए हैं दोनों साइड्स में, दोनों स्पीकर्स के साथ। तो अगर आपका स्पीकर कोई भी मेल फंक्शन करता है तो आप इसको शायद आफ्टर मार्केट इसमें एक्सेसरीज़ या इसके स्पेयर्स चेंज करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ एक एडिशनल माइक मिल जाता है, और रियली मानो इसकी केबल बहुत स्ट्रांग है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये पेस्टिंग वाला माइक है, इसे आप अपने फुल फेस हेलमेट में फ्रंट में स्टिक कर सकते हैं, और इस केबल को इस माइक को रिप्लेस करके अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा माइक भी मिल जाता है, एक अच्छी क्वालिटी की, बहुत प्रीमियम क्वालिटी की, आपको टाइप सी की USB टू टाइप सी चार्जिंग केबल मिल जाती है। दो आपको क्लिप माउंट्स मिल जाते हैं, ये स्टिकी माउंट है और ये क्लिप माउंट है। तो हेलमेट पर आप किस तरीके से पेस्ट करना चाहते हैं, बेस्ट पोजीशन के हिसाब से ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन यू गेट फोर वेलक्रो स्टिकर्स जो कि आपको काम आने वाले हैं हेलमेट में लगाने के लिए। तो आप इसे दो हेलमेट में यूज़ कर सकते हैं। तो स्पेयर इन्होंने वेलक्रो स्टिकर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। अब बात करते हैं मेन यूनिट की। तो मेन यूनिट पर जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल सा इन्होंने बहुत ज़्यादा बटन कॉम्बिनेशन नहीं रखा है, जैसे V6 पर था। तो सबसे पहला प्रीमियम चीज़ तो आपको देखने में यही मिल जाती है। यहाँ पर आपको सिंगल पोर्ट मिलता है टाइप सी का, जिससे आप ईयरफोन भी कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपने को इसको चार्ज भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ बस ड्रॉबैक ये रहता है कि यूज़ करते टाइम आप इसे चार्ज नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली बात करें तो इसमें आपको ओपन वाला एंटीना मिल जाता है, जिसको साइड से प्रोटेक्ट किया गया है। जैसा कि मेरा ब्लू आर्मर वाले में मुझे ये थोड़ा ड्रॉबैक लगा कि उनका पूरा एज पर है, तो दिस इज़ बेटर देन दैट कि यहाँ से एक्सीडेंटली ओपन होने के चांसेस नहीं है, और इसमें स्प्रिंग भी नहीं है जिसकी वजह से ये अपने आप ओपन नहीं होगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको तीन बटन्स मिल जाते हैं, माइनस, ये वॉल्यूम माइनस का भी काम करेगा, ये मेन बटन जो EGS की लोगो है, यहाँ पर ये मेन बटन है, पावर ऑन भी इसी से होगा, और ये प्लस वॉल्यूम की का, और ये एक शॉर्टकट के लिए इंटरकॉम बटन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो सबसे पहले इसको टर्न ऑन करते हैं, आपको EGS वाले बटन को कुछ देर तक होल्ड करके रखना है, और ये आपका डिवाइस ऑन हो गया है। और अगर इसको ऑफ करना है तो आपको ये दोनों बटन्स, इंटरकॉम वाले बटन और मेन बटन को एक साथ प्रेस करना है, एंड दिस इज़ टर्न्ड ऑफ। तो ये था ऑन ऑफ का सिंपल फीचर। बाकी अब इसकी पेयरिंग करके दिखाते हैं दूसरे डिवाइस से। बट इसके अलावा बाकी इसके जो सारे डिटेल फीचर हैं, लाइक FM, म्यूजिक, ऐप कनेक्शन, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज़ ये वाला वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों यहाँ जो मैश इंटरकॉम की पेयरिंग करना है वो काफ़ी इजी टास्क है। सो सबसे पहले हमें सिर्फ दोनों डिवाइसेस को ऑन करना है। ये EGS की को प्रेस करके होल्ड करने से दोनों डिवाइसेस ऑन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्लू इंडिकेटर दोनों में ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है कि ये जो ये वाला बटन है, यहाँ आप देख सकते हैं ये साइड बटन, ये मैश की है। मैं एक बार बटन के बारे में बताता हूँ। वॉल्यूम माइनस EGS, ये होम की है, ये प्लस वॉल्यूम प्लस का है, और ये साइड वाला जो की है ये मैश इंटरकॉम का की है। तो आपको इसे प्रेस एंड होल्ड करना है नियरली 5 सेकेंड्स तक।
एंड उसके बाद आप देखेंगे इसमें ये रेड एंड ग्रीन इंडिकेटर ब्लिंक करने लगा, मीन्स ये इंटरकॉम, सॉरी जो इसका मैश इंटरकॉम है उसे पेयरिंग सर्च करने लगा है। सिमिलरली हम सेकेंड डिवाइस पर भी करेंगे, ये हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों डिवाइसेस मैश इंटरकॉम पेयरिंग मोड में आ चुके हैं। अब इसमें एक को आपको सर्वर बनाने के लिए सिर्फ एक बार आपको जस्ट शॉर्ट क्लिक करना है एंड उसके बाद वो सर्वर बन गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेकंड ने सिग्नल रिसीव कर लिया है और ये दोनों मैश इंटरकॉम पेयरिंग में आ चुके हैं। और इसी पेयरिंग के बीच में अगर आप थोड़ा सा अपना माइक म्यूट करना चाहते हैं तो दैट्स अ इजी टास्क। जिस भी डिवाइस पर आपको माइक को म्यूट करना है वहाँ पर बस आपको ये शॉर्ट क्लिक करना है और उस टाइम के लिए आपका माइक म्यूट हो जाएगा। आप कुछ भी बात कर सकते हैं जो आपको दूसरे राइटर को नहीं सुनाना, एंड अगेन प्रेस करने से माइक अनम्यूट हो जाता है। नाउ इसकी पेयरिंग देखते हैं। तो पेयरिंग के लिए सबसे पहले हमें दोनों डिवाइसेस को ऑन करना होगा और जब दोनों डिवाइसेस ऑन हो जाएंगे उसके बाद हमें EGS वाला बटन और जो इसका वॉल्यूम प्लस बटन है इसको प्रेस करना है। 5 सेकंड्स तक इसको होल्ड करने के बाद ये पेयरिंग मोड में आ गया है जहाँ रेड और ब्लू लाइट ब्लिंक करेगी। सेम हमें दूसरे डिवाइस पर भी करना है और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ अभी डिस्कवर करके, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कितना क्विकली पेयर हो गए और पेयर होने का इंडिकेशन है कि दोनों की लाइट एक साथ ब्लिंक होगी। तो दिस इज़ सो इजी कि आप इसे कैसे आपस में पेयरिंग कर सकते हैं 1-to-1। ऑल्सो इसके जो बाकी सारे फीचर्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। होप करता हूँ आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस वीडियो में और काफ़ी प्रोडक्ट नॉलेज भी आपको गेन हुआ होगा। अगर स्टिल अभी कुछ डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं या फिर आपका कोई फीडबैक है वो आप नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए, दैट विल रियली हेल्प अस। ऑल्सो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पोस्ट कर दिया, अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपकमिंग वीडियो में मैं इसका यूजर रिव्यू शेयर करूंगा अपना इसे टेस्ट करने के बाद पूरा लॉन्ग टर्म के लिए और फिर उसका एक सेपरेट वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग JS Xtreme।